Very good morning, class 4th. Now complete your chapter number 4. So today we will start a new chapter, chapter number 5. Open your book, page number 32. Open your book, page number 32. What is the name of chapter 5? An easy experiment of science. Science से related एक easy experiment है. इस chapter में आपको ये बताया गया है. ये आपके जो dialogue मतलब बातें कर रहे हैं अंशु एंड वंशिका आपस में बातें कर रहे हैं. दोनों क्या है? स्टूडेंट्स ही हैं. दोनों आपस में बातें कर रहे हैं इस बारे में. इसमें चैप्टर में बताया कि कैसे वो एक एक्सपेरिमेंट को इजी बनाते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी हार्डवर्ड डिस्कस कर लेते हैं. हार्डवर्ड से पहले फर्स्ट देखेंगे बिटवीन. BETWEEN बिटवीन मीन्स होता है बीच में. क्या होता है बिटवीन मीन्स बीच में. SUMMER समर सीजन सेम होते हैं ना. समर विंटर रेनी और टर्म स्प्रिंग ये क्या होते हैं हमारे समर सीजन्स नेम होते हैं. तो ये समर क्या है हमारा सीजन्स नेम सीजन है होता है ना गर्मियों का मौसम से बोलते हैं हम समर सीजन. WINTER विंटर विंटर मीन्स होता है सर्दियों का मौसम यानी जिसमें सर्दियां पड़ती है वो होता है विंटर सीजन. लेबोरेटरी लेबोरेटरी होता है प्रयोगशाला जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. ओके, जो साइंस से रिलेटेड चीजें होती है वो किसमें की जाती है प्रयोगशाला में. उनका प्रयोग किया मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है. इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचि होना किसी चीज में. क्या होना इंटरेस्ट आना रुचि आना. WOOLEN वुलन मीन्स होते हैं ऊनी कपड़े. वुलन क्लोथ जो हम कब पहनते हैं विंटर सीजन में पहनते हैं. एंड WED नीड नीड मीन्स आवश्यकता. क्या होती है नीड आवश्यकता. हमें भी पता है ना हमें जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान हमको क्या है ये तो हमारी नीड है कि हमें इस चीज की तो क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी ही. ठीक है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है. REMEMBER रिमेम्बर मीन्स होता है याद रखना. रिमेम्बर मीन्स याद रखना. WEAR बियर बियर मीन्स पहनना. क्या होता है बियर मीन्स पहनना. एंड TOGETHER टूगेदर मीन्स साथ साथ. टूगेदर मीन्स साथ साथ. नाउ स्टार्ट ओपन योर बुक स्टूडेंट पेज नंबर 32. सो लेट्स स्टार्ट. हाफ चैप्टर रीड करेंगे हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके ना. इट्स अ डायलॉग ऑन एन एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स. ये क्या है डायलॉग्स है एक्सपेरिमेंट पे टू फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग टुगेदर व्हाई वी वियर वुलन डार्क कलर्ड कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर क्लोथ कॉटन क्लोथ्स इन समर. दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं कि हम जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो वुलन विंटर सीजन में ही क्यों पहनते हैं मोटे जो कपड़े होते हैं और समर में हम कॉटन क्लोथ ही क्यों पहनते हैं. तो वंशिका एंड अंकुश अंशु आपस में बात कर रहे हैं. देखिए क्या बात हो रही है इनमें. वंशिका अंशु कैन यू टेल मी व्हाई डू वी वियर डार्क वुलन क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर कॉटन सॉरी कॉटन क्लोथ्स इन समर. अंशु क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम मतलब ऊनी कपड़े ऊनी और डार्क कलर के कपड़े विंटर में और लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स के कपड़े हम समर में क्यों पहनते हैं. अंशु डू यू नॉट रिमेम्बर वॉट डिड यू अवर साइंस टीचर डेमोन्स्ट्रेट बिफोर द लास्ट मंथ इन द लेबोरेटरी. आप तुम्हें याद नहीं है हमारे सर ने हमें इसका प्रयोग करके दिखाया था अपनी प्रयोगशाला के अंदर. दैट एक्सपेरिमेंट आंसर्स बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस. वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट अगेन इफ यू लाइक. द एक्सपेरिमेंट आंसर्स बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस क्या होगा इसका मीन. द एक्सपेरिमेंट आंसर यस that experiment answers both of these questions. We can do the experiment again if you like. मतलब हमें इसके answers मिल चुके थे. अगर आप तुम्हें पसंद है तो हम इसको दोबारा experiment कर लेते हैं इसका. वंशिका yes I like do it again. हाँ मुझे पसंद है. It is very interesting है बहुत रुचिकर है. What things do we need for it. हमें experiment करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी. अंशु वी नीड टू बॉटल्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज. अपन को टू बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी जो सेम शेप और सेम साइज की हो. टू टेस्ट ट्यूब्स एंड द सेम थिकनेस एंड लेंथ. और दो टेस्ट ट्यूब की जो सेम थिकनेस हो उसकी कितनी बड़ी मोटी हो एंड लेंथ उनकी बराबर हो. सम हॉट वाटर एंड थर्मामीटर एंड वुलन क्लोथ. और थोड़ा सा हॉट वाटर और क्या थर्मामीटर की और सम वुलन क्लोथ की मतलब कुछ वुलन क्लोथ होने चाहिए. They arrange all these things and sit down in the baranda. और वो सारी चीजों को अरेंज किया और कहाँ बैठ गए एक बरामदे में बैठ गए. अंशु नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 33. अंशु वंशिका प्लीज फिल द वॉटर
waters with hot water and take the temperature with a thermometer. Vanshika, please in bottle को बॉटल को किससे भरो? हॉट वाटर से भरो एंड टेक द टेम्परेचर विद द थर्म और इसका टेम्परेचर नोट करो. राइट डाउन द टेम्परेचर इन द नोटबुक. और आपको इस पे इसका टेम्परेचर किस पे नोट करना है? नोटबुक में नोट करना है. ओके, नाउ रैप वन ऑफ द बोतल इन वुलन क्लोथ एंड पुट बोथ द बॉटल इन अ डार्क कॉर्नर. क्या किया फिर उसने? उन्होंने वो बॉटल सी. नाउ रैप, क्या करना है? नाउ रैप वन ऑफ द बोतल इन वुलन क्लोथ. और एक बोतल को हमको किससे रैप करना है? ऊनी कपड़े से रैप करना है. एंड पुट बोथ द बॉटल्स इन अ डार्क कॉर्नर. और दोनों को किसमें रखना है? एक डार्क कॉर्नर, अंधेरी जगह पे इसको रख देना है. वंशिका, व्हाट विल यू डू विद दीस टेस्ट क्यूब? व्हाट विल यू डू विद दीस टेस्ट क्यूब्स का क्या करना है? यू जस्ट सी दैट व्हाट आई एम गोइंग टू विद देम. आई हैव रैप्ड वन ऑफ द टेस्ट क्यूब्स इन अ ब्लैक पेपर एंड अनादर इन अ व्हाइट पेपर. क्या करूंगा? एक को किससे लपेटूंगा? ब्लैक पेपर से, और दूसरे को व्हाइट पेपर से. नाउ फिल देम विद कोल्ड वाटर. और क्या भरूंगा इनके अंदर? कोल्ड वाटर यानी ठंडा. आई एम नाउ टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स एंड शैल पुट द टेस्ट ट्यूब्स इन द सन. वंशिका, प्लीज पुट आउट टेस्ट ट्यूब्स इन द सन. और टेस्ट ट्यूब्स को मतलब टेम्परेचर को नापना है अपन को, कि उन बॉटल का क्या टेम्परेचर होगा जो हम धूप में रखेंगे. ठीक है, हमने यहाँ तक. नाउ लेट्स अस वेट फॉर 30 मिनट्स. हमें कितने मिनट तक वेट करना है? 30 मिनट्स तक. हमने नाउ लेट्स 30 मिनट्स तक वेट पढ़ा है. आज चैप्टर को रीड किया है. आपको भी यहाँ तक रीड करना है और ये हार्डवर्ड्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. ओके बच्चों, थैंक यू, बाय.